अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो जनाब, दुपट्टे कलर होके आ गए हैं। आगे चल के क्लिप में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कलर हुए हैं। एक मैंने बिल्कुल जेट ब्लैक कलर करवाया है और एक मैंने मेहंदी कलर में कलर करवाया। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ड्रेसेस भी बन के आ गई हैं, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो यहाँ पर ये दुपट्टा कलर होके आ गया है। इस तरह से मैंने इसको कलर करवाया, मस्टर्ड कलर का दुपट्टा, मेहंदी टाइप, मस्टर्ड टाइप। एक ये कलर करवाया। और इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। सो अक्सर तो मैं शिफून के दुपट्टे कलर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा लॉन के कपड़ों के साथ, जो घर में पहनने वाले होते हैं ना, शिफून के दुपट्टे पहने नहीं जाते, तो इस वजह से फिर मैंने इस तरह के दुपट्टे रंग करवाए हैं। और मोस्टली ब्लैक जो है वो चल जाता है हर ड्रेस के साथ, तो वो भी दिखा देती हूँ। ये ब्लैक दुपट्टा है, अभी गिजमिज पड़ा हुआ है, और क्योंकि मैंने अभी पहना हुआ है सो इस वजह से, सो ये काफ़ी पता है सॉफ्ट होते हैं। सो ड्रेसेस इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। डिनर मैं रेडी करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। मैं नेशनल का अचार गोश्त रेसिपी मिक्स आज ट्राई कर रही हूँ। चिकन मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है, ठीक है, 1 kg के करीब चिकन है, और साथ में ये नेशनल का अचार गोश्त मसाला है। मैंने सोचा आज जो है ना आप लोग के साथ एक नेशनल का ये जो अचार गोश्त का मसाला है ये शेयर कर लेती हूँ और ट्राई भी कर लेती हूँ। अगर अच्छा होता है तो आप लोग के साथ रिव्यूज़ भी इसके शेयर कर लेती हूँ। सो आज का ब्लॉग जल्दी जल्दी से शुरू कर रहे हैं। और चिकन की जो कलेजी है ना, वो मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर मैं फ्राई करी हूँ जन्नत के लिए। तो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को स्पेशली आप लोग जो है ना इस तरह से कलेजी फ्राई करके ज़रूर दिया करें। जन्नत को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसके लिए फ्राई कर रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से ब्लॉग शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, अचार गोश्त का सबसे पहला स्टेप जो है ना, 2 चम्मच इसके मसाला लगेगा, 1 नींबू का रस इसमें हमने मिक्स करना है, और हरी मिर्चों में इसको भरना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से पहला स्टेप कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टेप 1 हमारा डन हो चुका है। हरी मिर्चें मैंने मसाले के साथ फिट कर ली हैं। यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल लूँगी। ऑयल हस्बे ज़रूरत लेने के बाद यहाँ पे मैं कुटी हुई लहसुन के जो जवे हैं उसको कूट के यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चिकन ले रही हूँ 1 kg के हिसाब से, जितना मसाला मेरे पास पैकेट में बच चुका है तो वो मैं ऐड करूँगी। इसमें मिर्चें काफ़ी तेज़ होती हैं, तो अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो फिर आप लोग जो है ना थोड़ा कम मसाला रखिएगा। यहाँ पर मैं अदरक पाउडर ले रही हूँ, अगर आपके पास पिसी हुई फ्रेश अदरक है तो वो आप लोग शामिल करें। और जनाब जन्नत के काम यहाँ पे चेक करें, वो खड़े होके यहाँ पे बर्तन वॉश करने की कोशिश कर रही हैं। और बेटियाँ तो बस बेटियाँ होती हैं ना, फूल होती हैं, सो बस यहाँ पे वो लगी हुई है। और मैं इसको बार बार कह रही थी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मुझे करने दो। और ये जो है ना अपने से बड़े बड़े काम करने की बच्चियों को बहुत आदत होती है, तो बस बताइएगा आप लोग के घर में भी इस तरह का चक्कर होता है या नहीं। चलिए जी, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड की है दही, और इसको मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसका ऑयल अलग हो जाएगा अच्छी तरह से, तब जो है ना मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर पेस्ट। अच्छा जी, ऑयल इसका अच्छी तरह से निकल चुका है, और अभी यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट, ठीक है। और टोमेटो पेस्ट के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से ढक देना है, और ढकना तकरीबन हाफ आवर के लिए इसके ऊपर होगा, और हाफ आवर बाद मैं ढकना उठाऊँगी और आप लोग के साथ इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी। और ये देखें जनाब इसका फाइनल लुक, और साथ में हरी मिर्चें मैंने ऐड कर ली हैं, और
5 मिनट दम दिया है, उसके बाद इस तरह से कुछ इसकी शक्ल है। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा जो है ना कमज़ोर मैदे वाले हजरात जो हैं वो परहेज़ करें इससे। साथ में मैंने यहाँ पे मज़ेदार यम्मी फ्रेश किस्म की सैलेड काटी है और साथ में पुदीने की चटनी है और साथ में जन्नत का जो डिनर है वो बस सैलेड और दही उसको पसंद है उसका भी मैंने रेडी कर लिया है। सो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लव फेस।